आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण में पंजाब में होने वाली वोटिंग से पहले पंजाब के वोटरों के नाम लेटर लिखा। इसमें उन्होंने पंजाब के लोगों से भाजपा सरकार न बनाने की अपील की। वहीं उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को लेकर अपनी राय दी। 3 पेज के लेटर में मनमोहन सिंह ने किसान आंदोलन समेत बड़ी घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पंजाब, पंजाबियों और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली की सीमाओं पर 750 किसान इंतजार करते हुए शहीद हो गए। इनमें ज्यादातर पंजाब के किसान थे। मोदी जी ने चुनाव के दौरान नफरत भरे भाषण दिए। वो पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने पद की गरिमा कम की है। कुछ गलत बयानों के लिए उन्होंने मुझे भी जिम्मेदार ठहराया। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग नहीं किया। ऐसा करने का कॉपीराइट सिर्फ भाजपा के पास है। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।